ये क्रॉस दिख रहा, इसके बाद का स्टेप देख, ये तूने क्रॉस में डाल लगा ना, इसको क्रॉस कर, हाँ इसको क्रॉस कर, यहाँ से निकालिए इसके यहाँ से, पहले क्रॉस करना, अब फिर इसको इसको ऊपर से डाल इसको। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। कल ब्लॉग नहीं बना, आज फिर से एक नया ब्लॉग बन चुका है। वैसे ना आजकल जब से जोशीमठ का जिस तरह से हाल हुआ है तब से ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इधर काम कर ही रहे थे तो हमने कहा इधर का काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत वीडियो भी बना देते हैं। और वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आज हमारा जो दुर्गेश भाई है अपना बड़े भाई, बहुत दिन से इसकी तमन्ना थी कि भाई मेरे को सोल्टी बनाने सिखा दे, तो भाई को आज हम सोल्टी बनाने सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैं शाने में लगा हुआ है, अभी पिछले 1.5-2 घंटे से केवल रिंगाल फाड़ने में लग रहा है भाई। अभी भाई को रिंगाल फाड़ना सीखना है, फाड़ता तो बहुत बढ़िया है लेकिन मिस्टेक्स कर रहा है बीच बीच में, वो चीर दे रहा है, थोड़ा सा खराब कर रहा है। बाकी चलो इतना फाड़ ही दिया है, बाकी अब मैं शा रहे हैं नीचे, अब देखते हैं ऐसे करना है। हाँ ऐसे करना है, छह ऐसे में रख और छह ये मुख्य थी तो ये मतलब जो दूसरा होता है जर्गे ने ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं रखता, मैं आगे बताता हूँ। और इसी के साथ ना मैं कंडी बना रहा हूँ, सोल्टी तो आजकल बहुत बना दी यार, आजकल 3-4 सोल्टी तो पापा ने बना दी, बाकी 1-2 मैंने बना रखी थी, 1-2 भाभी जी ने बना रखी थी, तो अभी मैंने रिंगाल फाड़ा है, हम बनाएंगे कंडी। अब सोल्टी का काम हो गया, अब कंडी बनाएंगे आज एक मस्त सी फर्स्ट क्लास वाली, और दुर्गेश भाई सीखेगा सोल्टी बनाने। इसको मैंने वो दे रखा, क्या उधार दे रखा, क्या बोलते उसको, पैंचू, पैंचू दे रखा मैंने 8 रिंगाल, क्योंकि 8 रिंगाल से बनता है एक सोल्टा और 10-11-12 रिंगाल से बनता है कंडी, तो हम कंडी बनाएंगे, दुर्गेश भाई सोल्टी बनाएगा। चलो अब हम इसको सिखाएंगे थोड़ा, एक दो दिन बाद रिंगाल लेके आएगा, अभी आज सीखेगा, देखते आज सीखेगा तो तब जा करके लाएगा, नहीं सीखेगा तो मेरे को लग रहा है क्या पता मोरल डाउन हो जाएगा, लेकिन हम मोरल डाउन नहीं होने देंगे इसका, सीखेंगे क्यों नहीं सीखेंगे भाभी जी, एक दिन में सीखी यार, मतलब ये नहीं सीख सकता है कि नहीं, धिक्कार है तब तेरी जिंदगी में, अगर तू भाभी जी एक दिन में सीख रहे हो तू एक दिन में नहीं सीख रहा, सीखेगा सीखेगा, दिल लगा के काम करेगा तो सीखेगा, या दिल लगा के बात आई, भाभी जी को लेने कब जा रहे तू, त्योहार के बाद। अब ऐसा दोस्तों एक दो दिन बाद उत्तरायणी त्योहार आने वाला है, तो उत्तरायणी त्योहार के बाद भाभी जी शायद इधर आएगी। चलिए दोस्तों अभी दिन का 12 बज चुका है, थोड़ा बहुत जो सोल्टी का जो बेस है वो बन चुका है, कंडी का बेस वो क्या बोलते हैं दुर्गेश भाई के, तो जो रिंगाल है वही खत्म हो गए, तो अभी थोड़ा बकरियों के साथ जा रहा है और वहीं से थोड़ा बहुत लेके आएगा, तो हम भी तब तक थोड़ा खाना बनाते हैं क्योंकि भाभी जी भी जा के खेत, घर पे हम अकेला है, तो हम खाना बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे हम आराम से सोल्टी। दुर्गेश भाई से थोड़ा रिंगाल अपने लिए भी मंगा रखा, थोड़ा खुद के लिए भी, तो चलो केटे बनाएंगे अभी। या अपना बड़ा भाई दुर्गेश भाई जा रहा है बकरियों के साथ, अभी बिल्कुल रेडी होकर के जूते उते, बकरियों के साथ ही तो जा रहा है, जब तक भी जा रहा है थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद दे दे थोड़ा 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 ही दे दे, ज्यादा मत दे। देखो ना दुर्गेश भाई का उधर पे मेरा ये वाला, मैंने इसको अभी उसके नीचे डाल लगा पानी के नीचे, क्योंकि ये रिंगाल बहुत जल्दी सूख भी जाता है फाड़ा हुआ। क्यों ललचा रहा है यार भाई, तू मिल ले क्या ना, ठीक है वही क्या ना, हमारे पास केवल 2 रिंगाल बच गया, वो 2 रिंगाल से इस भाई के लिए ये पाता लगाने के लिए चाहिए, और उसके बाद हमारे पास नहीं है रिंगाल, तो हमने मैंने इसको गैर गया बारीक 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 बुरीक छोटी मोटी जैसी भी है थोड़ा सा लेके आना कंडी के लिए, सब चल जाते हैं। तो चलो हम बनाएंगे अभी खिचड़ी, आलू वाली, लाल आलू वाली, लाल आलू और सफ़ेद आलू दोनों मिक्स है इसमें। जीतू भाई याद आ रहा है तेरे को आलू वाली खिचड़ी की, जीतू और मैं ना गोपेश्वर में बहुत बनाते थे आलू वाली खिचड़ी, जीतू आलू वाली खिचड़ी बहुत ज़बरदस्त बनाता है, मतलब मस्त। तो चलो जीतू भाई से ही हमने ये आलू वाली खिचड़ी बनाना सीखा है और मज़ा भी आ रहा है, कल भी बनाए थे मैंने क्योंकि कल भी अकेले थे घर पे, तो खिचड़ी बनाता है। क्या लाया तू ये ना, ये मेरे भाई, ये यही तो चाहिए था, ये पता है और मजबूत है, ये इन रिंगाल से भी मजबूत है, देखी कसम से हार्ड भी है ना मजबूत भी है, तो दोस्तों इन्हीं की बात कर रहा था, तो अपने लिए तो शायद अब इनसे हो जाएगा, तो उसे मतलब इनके चार और वैसे इनकी गिनती उनमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गिन दिया, 4 दिन है, दे दूंगा यार, 4 नहीं 4 बहुत है यार, उसके बाद हम भी जाएंगे ना एक दिन, अब और भी तो बनाने हैं अभी। तो चलो ये लोग भी आ चुके हैं,
ये देखिए बोरिंग पर्सन, इनको बोरिंग पर्सन कसम से गाल नहीं थे विद्या कसम से। मैं पापा बोले तो तू कन्नू बनाया, पापा अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल खाली बैठा नहीं हूँ, मैं कन्ना बना रहा हूँ। वहाँ देखो, वहाँ पे देखो, वो बना रखा है मैंने, अंदर खाना बना रखा है, तुमको वहाँ पानी गर्म कर रखा है। और कल का छोड़ो, जब बीत गया सो बीत गया, आगे की बात करो ना। कोई दिक्कत नहीं, खिचड़ी कैसी बनी थी कल, आज भी खिचड़ी बना रही है मस्त वाली। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हम अगले स्टेप की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसके द्वारा कि आपका जो क्वालिटी है उसका सेप पता चलता है कि भाई इसका सेप किस तरह से आएगा। अगर इस वाले में हमने सही कर दिया, इसका मतलब क्वालिटी पूरा प्रॉपर सही बन गया। तो अब हम भाई को इसमें बताएंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, बोला एक बांधना है ये देख, इसको क्रॉस में करना है, क्रॉस करना है, इसके अंदर डालना है फर्स्ट, इसको एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके, इसके एक को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ये बस इसको क्रॉस करना है, इसको यहाँ से निकालना है, ठीक है। स्वर्ण पानी, रुको जरा, सबर करो। फिर ये दूसरा वाला, इसको भी वैसे करना है, क्रॉस करना है, यहाँ से निकालना है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अब हमको इसको यहाँ पे बांधना है, अगर हम बांधेंगे नहीं तो ये अटकेगा नहीं, बार बार खिसक जाएगा, इसको हमको यहाँ पे बांधना है, ठीक है। आ जाता, आना पड़ेगा इसको। अच्छा एक ये छोड़ना है ना, ताकि ये इधर आ सके, इधर आ सके। अब ये इसके साथ, अब ये देख यहाँ से आके, अब है स्टेप स्टार्ट। अब ये दो इधर वाला, मतलब राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे, ये इसके अंदर, और ये जो ये वाला क्या है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर। अरे दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। तो ये देखो दोस्तों, 5-10 मिनट में इतना ही हो गया। दुर्गेश भाई इसको नीचे मत ले जाए, इसको तो कंफ्यूज हो गया ना, तो फिर यहाँ देख, ये मत देख, ये क्रॉस दिख रहा, इसके बाद का स्टेप देख, ये तूने क्रॉस में डाल रखा ना, इसको क्रॉस कर, हाँ इसको क्रॉस कर, यहाँ से निकालिए, इसके यहाँ से पहले क्रॉस करना, अब फिर इसको इसको ऊपर से डाल, इसको इसको ऊपर, इसका इसको ऊपर, इसको, हाँ तो अभी शाम का 4 बज चुका है दोस्तों, सुबह से दुर्गेश भाई और मैं इन पे लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को बता दूं, मेरा तो चलो अभी स्टार्ट ही लग रहा है ना, लेकिन टाइम बहुत लग गया भाई इसमें। बाकी दुर्गेश भाई का अंतिम प्रोसेस जो इसमें बचा हुआ है, मैंने आना इसको बोलता है लास्ट में, इसको ये है ना, इनको फोल्ड करना है, और ये सबसे मेन है, सोल्टी बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ना ये इधर मिस्टेक है, ये यहाँ पे चलो हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ देखना इसका गैप देख रहा हो तो कितना बड़ा है इसका ना, हाँ कैसे, वो कहीं पे गलत, वो कहीं पे गलत कर रखा ना तूने, वो मैं सही कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, अभी मेरा देखो, मेरा तो ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा भी है ना, और कंडी बनाने में, मतलब अगर आप कंडी बनाओगे तो एक दिन में एक ही कंडी बना पाओगे, लेकिन अगर सोल्टी बनाओगे तो 2-3 तो नॉर्मली बन ही जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होगा। अरे चाचा ने पति, चाचा 400 सोल्ट पड़ो ना एक दिन में, कसम से चाचा उधर इतना एक्सपीरियंस है ना चाचा को, आराम से 4 सोल्टी बना देता भाई एक दिन में, 2-2 सौ। अरे पापल 50 सोल्टे दू ही बनाए यार यो दिन में। सोल्टी भी अलग अलग टाइप की होती है, सोल्टी कोई गोबर डालने वाली अलग होती है, पानी लाने वाली सोल्टी अलग होती है, पछा जाने वाली सोल्टी अलग होती है। तो बाकी अभी थोड़ा टाइम से लग गया था ना, थोड़ा सा वो उद्यान विभाग वाले आ रहे थे, वो पेड़ वाले, सेब के पेड़ वाले थे, तो उनको थोड़ा गड्ढे वगैरह दिखा रहे थे जो हमने करे थे, बाकी इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत काम था बीच बीच में, बकरी उजाड़ जा रही, गाय उजाड़ जा रही। एक बार तो दुर्गेश की आपत्ति आ गई थी, सोल्टी भी बनानी थी, गड्ढे भी दिखाने थे, और बकरियां चले गई थी उधर लोगों के उजाड़। उजाड़ जा ही रही सब कुछ हो ही रहा भाई। मैच क्या, मैच कौन कौन खेल रहा भाई, और सबसे मेन चीज ना, आज भाई साहब वहाँ नीचे 4 बज गया, यहाँ पे मैच चल ही रहा, कसम से, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं 4 बजे तक मैच ही चल रहा। तो चलो फटाफट अभी ये बनाते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा दुर्गेश भाई ने जो मिस्टेक करके, ओ या सुधार दिया, सुधार दिया, सीख गया लड़का, सीख रहा है।
चलिए दोस्तों, अभी शाम का 5:30 हो चुका है, कंडी अपनी पूरी नहीं हुई है, रिंगाल जो है वो खत्म हो गए, तो अब शायद ये थोड़ा दुर्गेश भाई लेकर आएगा अभी, तो गाय बकरियां अंदर लगाने गया है ना, तो ये थोड़ा बहुत वहाँ से लेकर आएगा, नहीं तो कल तक लेकर आएगा, तो कल से ही हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले जैसा बोलते हैं ना भाई, तूने आज सुबह किसकी शक्ल देखी, तो हमारा हमेशा यही है, उठते ही सबसे पहले जिसके हमको सबसे पहले दर्शन होते हैं वो होते हैं अपने जोशी मठ के, जो कि अभी इतने संकट में है, इतनी बुरी कंडीशन में है, इतने दुख में है, बता नहीं सकते यार। सब जानते हैं कि अपना जो जोशी मठ है वो जैसा है वैसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल सेफ तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए। अगर इंसान ही नहीं है तो इस जगह का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस अभी भगवान से यही दुआ करेंगे, सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि जो ये लोग हैं इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, और उसके बाद हम लोग भी देख ही रहे हैं, आप लोग भी देखते रहेंगे भाई साहब, जोशी मठ में ना आजकल उतने वहाँ के लोकल लोग नहीं है जितने आजकल पत्रकार मीडिया और भी मतलब लोग भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा, तो मतलब समझ नहीं आ रहा यार कि क्या हो पाएगा अपने जोशी मठ का। बस अभी इसी उम्मीद में है कि जो लोग हैं वो बिल्कुल सेफ हो जाए। रेड जोन जिन घर को घोषित किया हुआ है तो वहाँ पे बिल्कुल शायद आजकल अलाउड नहीं है, उनको रेड क्रॉस से उन घरों को दर्शाया गया है, शायद अब वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, अब पता नहीं यार आगे क्या कुछ हो पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि यार जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा, भगवान के मन की होगी। बाकी अभी सबसे मेन संकट ये भी है ना, जो बच्चे लोग हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनका स्कूल का सबसे बड़ा हर्जा हो गया यार, सबसे बड़ा दिक्कत उनका स्कूल का हो गया। दिव्यांशु भाई अपना वो बोर्ड वाला उस साल उसका बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, तो समझ नहीं आ रहा यार क्या हो पाएगा। तो दोस्तों अभी शाम का 6 बज चुका है और अभी ना घर पे कसम से इतना सुनसान लग रहा है ना, घर पे केवल मैं ही मैं, बाकी दुर्गेश भाई अब पहुंच रहे हैं। दुर्गेश भाई बड़ा लेट कर दिया आपने आज, पापा ने धोखा दिया हमें। दोस्तों आज तक आपने कभी सुना पापा ने धोखा दे दिया? चल लाइट चला यार, सही नहीं लग रहा। जय सही ना, कसम से गो या ऊपर कभी चला ऐसा ना, अंधेरा जैसे घर पे हो जाते ना अगर लाइट नहीं चलेगी, तब तक अजीब लगता है यार घर पे, मतलब मजा नहीं आता, वो फील नहीं आता, लाइट जल जाए घर में आदमी ना हो फिर भी। हो जाएगा वो जी, वो करेंगे अब। दुर्गेश भाई बोल रहा था 3 बजे तक हो जाएगा, मैं इसको बोल रहा था तेरा पूरा दिन लगने वाला, उधर भी गया था ये बकरियों के साथ भी गया था। इस दवाई से काम चल जाएगा शायद, रहे ना रहे, आग जला ही रहा था ना मैं, जल के भी बुझ गई मेरी आग, मतलब आग साथ नहीं दे रही है मेरी। भाई साहब उनको लगना नहीं चाहिए कि हमारे नहुने से, ये तो घर में आग भी नहीं जला रहे, बोलिए आग जलाना हमको, पानी वगैरह रख देंगे, बस जलनी चाहिए फटक से आग, जल जाए प्रभु। शायद अब जल ही जाएगी, पानी रख दो ऊपर से बस। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, जल जा जल जा जल जा जल जा, अभी लकड़ी पे नहीं जली ना आग, लकड़ी पे आग लग जाए उसके बाद नहीं है दिक्कत, जल ही जाएगा यार क्यों बस। तो दोस्तों अभी रात का 7:30 हो चुका है और इस प्राणी को हो गया कंप्लीट होती है भाई साहब, इसको बोलते हैं सच्ची लगन, सच्ची शिद्दत किसी काम के प्रति। साजन भाई क्या कहते हो आप भाई साहब, मतलब रात दिन एक कर रहा हमारा भाई, बहुत मेहनत भाई, मेहनत ही बहुत है भाई, शादी के बाद तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, इसीलिए जो मेहनत नहीं कर रहा है वो शादी करूँ तब जा करके मेहनत करेगा वो। तो चलो फाइनली दुर्गेश भाई का सोल्टा जो है वो बिल्कुल मस्त से रेडी हो चुका है, और भाई ने ना मेहनत बहुत ज्यादा है भाई, पर भाई ने टाइट इतना जबरदस्त कर दिया ना, मैंने बोला था इसको थोड़ा ताकत और मार ले, इन्होंने काफी
नहीं नहीं सही है, बहुत बेहतरीन यार। पहला है साजन भाई, ये भाई का पहला सोल्टा है और भाई साहब इतना प्यारा, बहुत प्यारा दुर्गेश भाई। ना जब ने साजन बोला बिहार के हमारे यहाँ पे, पहली बार मैं साजन भाई को अपने घर पे दिख रहा हूँ, मतलब नॉर्मली बहुत बार आ चुके हैं घर पे बात ये है। चलो आज हमारे रहते रहते तो पहुँच गई क्यों। चलो अभी इन नीचे वाले प्राणी को देखो क्या बोल रहे, नीचे क्या बोल रहा भाई। अरे ज्यादा मत हाँक, हाँक मत ज्यादा। अरे क्या है काम अपना, हाँक नहीं गए हाँक हाँक मैं बहुत पॉपुलर हो रहा। कौन हो रहा तू? गाइस मैं बहुत पॉपुलर हो रहा, लोग छोटे किसान के लिए दूर दूर से आ रहे मेरे पास, आते रहो बिल्कुल। साज हमारे दिव्यांशु भाई का कहना है कि जब भी मैं मार्केट में जा रहा हूँ मुझे कोई ना कोई मिल रहा है कि भाई आप दिव्यांशु, आप दिव्यांशु, तो अपना सेलिब्रिटी बन चुका है अपना छोटा भाई। तुमको ही बोला, तुम्हारी तो अपनी अलग पहचान है यार, तुमको तो बोलेंगे, तुम तो ऑलरेडी एक हमारे थैंक यू एक मात्र ब्लॉगर हो यार। भाई को बोलेंगे उस दिन, बोलेंगे बिल्कुल यार। तुम्हारे तो हमसे ज्यादा बोलते हैं क्योंकि सैलेस तो इनकी वीडियो में, इसकी वीडियो में आते हैं, मेरी वीडियो में भी आते हैं। सैलेस यार हर वीडियो की जान है यार, सैलेस तो सैलेस है यार। क्यों क्यों साजन भाई आई थी भाई साहब, चाय तो कड़क है भाई। मैं ये मैसेज पर मैसेज करूंगा चाय लेगा पहले तो खुद पूनू भाई, आ जा बल चाय पीने ठीक जी। मैं एमी बल भाई चाय लेके आई बल, आ रहा हूँ बल। आ गया लिखा है ना, आ गया, तूने रिप्लाई दिया। चलो दोस्तों फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारी चाय ये दिव्यांशु भी पीता है तो ना भाई एक ही चाय पीते हैं, इतना बड़ा प्यार। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा भाई, मैं तो एक घूंट भी नहीं दूंगा। मत दे गाइस, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और नए मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय। आज कैमरे पे मारना बम करिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेक केयर।